हेलो नमस्कार, रंजमा चैम में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर। जैसे अतिथि शिक्षकों को समस्या आ रही GFM पोर्टल में, इसमें कोई में दिख रहा है कि आप सत्य में कार्यरत नहीं थे, ठीक है, और किसी में मेरिट में नाम नहीं आ रहा आपका, और कोई सूची में आपका नाम नहीं आ रहा, और किसी का 30% से अधिक रिजल्ट है लेकिन उसमें कम दिख रहा है कि आपका 30% से कम रिजल्ट है, और इसमें दिख रहा सत्य आप 23-24 में मेरिट में नहीं आते। ये बहुत से एरर आ रहे हैं अतिथि शिक्षकों को पोर्टल में, और प्रमोशन ट्रांसफर नई भर्ती है से जो बाहर हो गए उनको लेकर भी समस्या का समाधान किया गया है। और इसमें स्पष्ट बोला गया है कि प्रतिवर्ष के 10 अंक दिए जाए, अधिकतम 100 अंक दिए जाए, ऐसी मांग की गई है अतिथि शिक्षकों के द्वारा स्कोर कार्ड में। तो अतिथि शिक्षकों की जो भी समस्या है उसका समाधान जल्द ही किया जाएगा। DPI आयुक्त से बात हुई है तो उन्हें स्पष्ट किया है कि हाँ ये समस्या है पोर्टल में, इसमें सुधार किया जा रहा है और जल्दी सुधार कर लिया जाएगा। नियुक्ति की तारीख बढ़ा दी गई है और 3000 पदों की रिक्वेस्ट भेजी गई है, तो जल्दी अपडेट हो जाएंगे और नियुक्ति हो जाएगी। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पाने क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का? अभी भी कुछ लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। प्रयास पूरा है कि सभी की समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करवाया जाए। पहले तो मैं बात करूंगा कि आज जो हमारी DPI में चर्चा हुई कई मुद्दों को लेकर के, सर्वप्रथम हमारी जो चर्चा थी आज DPI में वो थी GFMS पोर्टल में जो समस्या आ रही है, जैसे कि विगत सत्र में आप कार्यरत नहीं थे, विगत सत्र में आप मेरिट, आपके जो मेरिट सूची में आपका नाम नहीं आ रहा है। लगभग सभी जितने लोग आवेदन मेरे पास आए थे सभी की समस्याओं को मैंने गिनाया एक एक करके, और PK सिंह सर क्योंकि मैडम थी नहीं और KK द्विवेदी सर भी नहीं थे, तो PK सिंह सर को मैंने एक एक समस्या गिनाई कि ये समस्याएं आ रही है। जितने लोगों ने भेजा था, जैसे किसी के में लिखे क्या आ रहा है कि आपके स्कूल में बनाया गया मेरिट में आपका नाम नहीं है, किसी में आ रहा है कि आपका रिजल्ट 30% से कम है जबकि उनके रिजल्ट 30% से अधिक था, किसी में आ रहा है कि आप सत्र 2023-24 की मेरिट में नहीं आ रहे। मतलब बहुत सारी समस्याएं लोगों को थी, इन सब समस्याओं को लेकर के मैंने आज बात किया और जिस पर काफी पॉजिटिव जवाब मिला है कि जल्द से जल्द इस पोर्टल का काम सुधार दिया जाएगा। कोई भी टेंशन इस चीज का ना लेकर बैठे क्योंकि जो पद है, जो ज्वाइनिंग की डेट है वो बढ़ने वाली है, जल्दी आदेश उसके जारी होंगे। जहां तक कल आप लोगों को, आज शाम को ने कहा था, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि कल सुबह तक में आप लोगों को आदेश मिल जाएगा कि आप लोगों को की डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। उम्मीद है ये 25 तक डेट बढ़ाई जाएगी। मैंने 25 तक के लिए उनसे बोला है, सर ने बोला कि बिल्कुल हम आपकी आपका की भावना को समझ रहे हैं क्योंकि हमारी गलतियां हैं, बहुत सारे पोर्टल में भी पद नहीं खुल पाए हैं और बहुत सारी समस्याएं पोर्टल में चल रही हैं, जिसे बहुत लोगों के बीच में आ रहा है कि विगत सत्र 2023 में तैयार पैनल में स्कोर कार्ड मेरिट के आधार पर वर्तमान सत्र 2025 हेतु ज्वाइनिंग हेतु अनुमति नहीं है। इस प्रकार कई लोगों के अलग अलग तरीके से वो शो हो रहा है, तो जल्दी इसके लिए समाधान किया जाएगा। दूसरी समस्या थी जो साथी हमारे इंग्लिश से BA किए हुए हैं, MA किए हुए हैं, माफ कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश वर्ग 2 का काम करने पर आपके स्कोर कार्ड में वर्ग 2 आ रहा है, लेकिन आपका जो BA था इंग्लिश से नहीं है, केवल आपका इंग्लिश से MA है, तो उनका रेफरेंस कोड नहीं आ पा रहा था। तो उस संबंध में भी कहा गया है कि जल्दी उनके लिए हम आदेश जारी करेंगे। साथ में जो संस्कृत वाले थे वर्ग 1 में काम कर रहे थे उनको वर्ग 2 में काम करने का मौका दिया गया था पिछले वर्ष, उसी हिसाब से इस सत्र में भी उन्हें दोबारा काम करने का मौका वर्ग 1 वालों को 2 में दिया जाएगा। रिक्त पदले को लेकर के लगभग मेरे पास 50-60 आवेदन थे और सभी आवेदनों के डाइस कोड सहित हमने आज रिक्त पद के लिए उनकी रिक्वेस्ट करवाई है। कल उनकी जांच होगी, DPI द्वारा उनकी जांच करने के बाद उपरांत ही उनके पद को अप्रूवल दे दिया जाएगा। लगभग 3000 पदों पर आज रिक्वेस्ट गई है और जल्दी उनकी ज्वाइन उनकी जो जांच होती है कि कितने बच्चे हैं, कितने वहां पे छात्र संख्या है, कौन कौन से विषय के वहां शिक्षक उपलब्ध हैं, उसके बाद आप लोगों का रिक्त पदों की जो अपडेशन है वो जारी कर दी जाएगी। अगले क्रम में हम थे 30% से कम वालों के लिए, बहुत सारे लोग मेरे पास आए थे, हमने 30% जो जिनका रिजल्ट कम था उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, तो कुछ शर्तों के साथ उन्हें जल्दी उनके लिए आदेश जारी किया जाएगा कि कुछ शर्तों के साथ उन्हें स्कूलों में काम करने का मौका प्रदान किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है प्रमोशन ट्रांसफर नई भर्ती से बाहर हुए साथी।
इनके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूं कि समायोजन तो संभव नहीं है या अन्य स्कूलों में संभव नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि उनके स्कोर कार्ड में परिवर्तन किया जाएगा और जल्दी स्कोर कार्ड में परिवर्तन करने के बाद उनके स्कोर कार्ड में प्रतिवर्ष 10 नंबर और अधिकतम 100 नंबर की व्यवस्था की जाएगी। आज उसके लिए डीपीआई ने प्रस्ताव भेज दिया है, इसके पहले भी डीपीआई ने प्रस्ताव भेजा था जिसे बल्लभ भवन ने की ओर से निरस्त कर दिया गया था। आज उन्होंने पुनः 10 अंक पर ईयर के हिसाब से देने के लिए, अधिकतम 100 अंक देने के लिए प्रस्ताव बल्लभ भवन मध्य प्रदेश शासन को, स्कूल शिक्षा विभाग को भेज दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही हमारे स्कोर कार्ड में बदलाव करवाया जाएगा। बैरागी जी, आपका नंबर संयोग के लिए दे दिया गया है, उम्मीद है कि आज शाम को हो गया होगा, चेक करते रहिए या कल सुबह कर दिया जाएगा। दूसरा, आज हमारे जो एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो साथी अप्रशिक्षित है वो सुन के जाना, लास्ट बताऊंगा उनके लिए। तो हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं, समस्त समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करवा दिया जाए। बहुत सारी समस्याएं लोगों को हो रही है, कई स्कूलों में लगभग रोज डेली मुझे 300-400 लोग डीपीआई में मिलते हैं। आज भी मैं डीपीआई में गया था, बिल्कुल मेला लगा हुआ था, करीब 200-250 लोग डीपीआई पहुंचे हुए थे। जो लोग मुझे मिले थे उन लोगों ने देखा भी है, कई लोगों से मुलाकात भी हुई और कई लोगों की समस्याओं का समाधान मैंने वहीं पर कर दिया। तो सीडीटीओ द्वारा जारी किया गया आदेश जल्दी निरस्त होगा। जो साथी अप्रशिक्षित है, सीडी में जो कहा गया था कि जो अप्रशिक्षित हमको बाहर कर दो, तो आज सर ने कहा कि हम उनको निर्देशित कर रहे हैं, जल्दी उनका आदेश हम निरस्त करवाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि कल तक में सीडीटीओ भी अपना आदेश वापस ले लेंगे। वैसे मौखिक तौर पर आज सीडीटीओ ने डाल दिया है कि पिछले वर्ष में कार्यरत किसी भी अतिथि शिक्षक को कार्य करने से वंचित ना किया जाए, इस प्रकार का आदेश सीडीटीओ की ओर से डल गया है। प्रदेश में ऐसे अतिथि शिक्षक जिन लोगों का जो लोग अप्रशिक्षित हैं और उनके शाला प्रभारी उन्हें नहीं रख रहे हैं, वो लोग मुझे तत्काल अपना आवेदन बना के मुझे भेज दें, क्योंकि सर ने यह कहा है कि जिन मैंने बताया कि सर बहुत सारे प्रचार ऐसे हैं जो हमारे पूर्व से कार्यरत साथियों को बाहर कर रहे हैं। उन्होंने कई बार मुझसे पूछा बताओ कौन है, मेरे पास कोई आवेदन थे नहीं उस समय पर तत्काल में देने के लिए उनको, क्योंकि मैं ऐसे लोगों का प्रकरण खुद सॉल्व कर देता हूँ फोन करके, तो मैं उनसे आवेदन मंगवाता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप आवेदन लेके आइए, हम उन प्रिंसिपलों के ऊपर कार्रवाई करेंगे और जो साथी हमारे अप्रशिक्षित हैं उनको वापस कार्य में हम बुलाएंगे। तो ऐसे लोग कॉल देखिए, मैं मोबाइल बिल्कुल बंद करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे इतने फोन आते हैं कि मैं काम भी नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैंने मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। जिसको समस्या है वो व्हाट्सएप में मैसेज कर दे, आप जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, चाहे रात के 1 बज जाए 2 बज जाए। लोगों जिनने मुझे मैसेज किया होगा रात के 1 बजे भले ही उनको रिप्लाई गया होगा, पर रिप्लाई उनको जरूर आया होगा। तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, डेट बढ़ रही है, जल्दी आप लोगों के रिक्त पद अपडेट हो जाएंगे। जिन लोगों ने मुझे आवेदन भेज दिए हैं, आज सबके आवेदन लगा दिए हैं, सबके रिक्त पद के लिए सबसे बोल दिया है और ज्यादा परेशान होने की किसी की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों की डेट बढ़ जाएगी, कल तक में आपके आदेश जारी हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग जल्द होगी और जो भी समस्याएं आप लोगों की होगी उसे सॉल्व करवाया जाएगा। महापंचायत पे फोकस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जारिया जी, न्यू आवेदन जैसे ही ये समझ लो कि 1 सितंबर से ही हूं, क्योंकि जो पूर्व से कार्यरत है उनकी ज्वाइनिंग 30 सितंबर तक पूरी की जाएगी। ये स्पष्ट तौर पे है क्योंकि अभी भी 70% अतिथि शिक्षकों की नौकरी नहीं हुई है। पूर्ति जी, रिप्लाई मैंने कब, आपने मैसेज अभी किया होगा दोपहर में, जितने लोगों ने कल किया था रात को 1 बजे मैंने रिप्लाई किया है। आज वालों को रिप्लाई मिल जाएंगे, जब मैं फ्री हो जाऊंगा पूरा काम करके तो रिप्लाई मिल जाएंगे, बेफिक्र रहिए। ऐसा हो नहीं सकता रिप्लाई ना मिले, जितने लोग मुझे मैसेज करते हैं रात के 1 बजे मैं करूं, पर मैं करता जरूर। आज के दोपहर 11 तक मैसेज देखे हैं मैंने अभी तक। प्रयोगशाला के पद जल्दी खुलेंगे, 2-3 दिन की छुट्टी है डीपीआई में, कल परसों और सोमवार। सोमवार के बाद अन्य काम होने शुरू होंगे, सोमवार तक कोई भी कार्य डीपीआई से संबंधित नहीं होगा, जो कुछ होगा फोन के माध्यम से करवाएंगे। बाकी डीपीआई में अन्य लोगों के लिए डीपीआई बंद रहेगी। चलो धन्यवाद, ज्यादा बात आज करना नहीं, क्योंकि मैं बहुत थक जाता हूँ, मुझे अधिकारियों से बोल बोल के ही तो बोलने की कैपेसिटी बचती नहीं है।